सेक्स की इच्छा बढ़ाने के लिए कौन सी दवाई है, क्या आपको ये मालूम है? चलो आइए मैं इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूँ कि हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है कि जिसमें सेक्स डिसऑर्डर मतलब उसको सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं है सेक्स करने की, उसके लिए क्या करना चाहिए। अब इच्छा ही नहीं है तो फिर इरेक्शन होंगे ही नहीं, देखो कुछ लोगों का इच्छा है मगर इरेक्शन नहीं होता। अब ये इनकी इच्छा ही नहीं है तो इरेक्शन कहाँ से होगा, क्योंकि इरेक्शन के लिए पहले इच्छा की जरूरत है। अब वही प्रॉब्लम है यहाँ की, इच्छा नहीं हो रही तो उसके लिए क्या करना है। 5 to 17% पीपल इनको ये हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर है। 5-17 मतलब बहुत ज़्यादा आंकड़ा है ये कि उनको इच्छा नहीं होती ज़्यादा सेक्स करने की। और हाँ, यदि आपका टेस्टोस्टेरोन कम है या प्रोलैक्टिन लेवल कम है या कोई मेडिकल बीमारी है तो बात अलग है, मगर बाकी कुछ भी बीमारी नहीं है और आपकी इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है, तभी भी चलता है। मगर इच्छा नहीं हो रही है, बीमारी भी नहीं है, इच्छा भी नहीं हो रही है और पति पत्नी में खटके उड़ रहे हैं, झंझट झगड़ा हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि इच्छा नहीं हो रही है, किसको कोई पड़ी नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ भाई बहन जैसे रह रहे हैं, एक दो बच्चे कैसे तभी पैदा हो गए, अब चल रहा है तो कोई कार्यक्रम ही नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर अभी समझो इच्छा नहीं है और एक पार्टनर नाखुश है और उसको इच्छा होती है, की वजह से उनके खटके उड़ रहे हैं, झंझट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो ये हाइपरएक्टिव सेक्सुअल डिजायर जो एक्टिव मतलब उसको इच्छा ही नहीं होती, उसके लिए क्या है तो दवाई बताना चाहूँगा मैं। नंबर एक जो है वो है बुप्रोपियन। बुप्रोपियन ये 150 मिलीग्राम की गोली आती है, आप एक गोली रोज सवेरे और शाम को ले सकते हैं और इससे डोपामिन लेवल बढ़ती है और डोपामिन लेवल बढ़ती है तो नेचुरली सेक्स करने इच्छा हो जाती है। तो ये एक है, स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि 63% पुरुषों को ये दवाई लेने से फायदा हुआ। इसका प्रॉब्लम यह है कि इसमें ये दवाई आप हरदम लेते रोज लेते तो वजन कम हो जाता है, जी मचलाना और नींद नहीं आना, ये इसके साइड इफेक्ट है। अदरवाइज ये दवाई रही तो सेक्स भी अच्छा होता है और डिप्रेशन भी कम हो जाता है, क्योंकि डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी दवाई है, दोनों भी फायदेमंद है। फिर दूसरा जो है वो है बुप्रोपियन प्लस ट्राजोडोन। ट्राजोडोन की दवाई जो है 25 मिलीग्राम की आती है, ये दोनों मिलके दिया तो नेचुरली इसका फायदा और ज़्यादा होगा और इससे भी डोपामिन लेवल्स बढ़ जाती है और उससे सेक्स में फायदा हो सकता है, इरेक्शन में फायदा होते रहता है। तीसरा जो है वो है फ्लिबेंसरिन। ये फ्लिबेंसरिन जो है ना, ये अमेरिका में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने लेडीज के लिए ये रिकमेंड किया गया, ये जेंट्स भी ले सकते हैं। 100 मिलीग्राम की गोली रोज लेते हैं 8 हफ्ते तक तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा। ये दवाई से मतलब फ्लिबेंसरिन से ये डोपामिन सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन मतलब ये जो हार्मोन्स है ये हार्मोन्स बढ़ते हैं जिससे सेक्स की इच्छा बहुत बढ़ जाती है और फिर नेचुरली इरेक्शन आ जाएगा। चौथा जो है वो है ब्रीमेलानोटाइड। ब्रीमेलानोटाइड जो है ये भी अमेरिका में लेडीज़ के लिए रिकमेंड किया गया है मगर हम पुरुषों के लिए भी रेकमेंड करते हैं। ब्रीमेलानोटाइड ये दवाई है, इसका इंजेक्शन आता है 1.75 मिलीग्राम पर 0.3 ml, जिससे भी बहुत ज़्यादा इच्छा बढ़ सकती है, डिप्रेशन ठीक होता है, डोपामिन सेरोटोनिन लेवल बढ़ सकती है और ये फायदेमंद है। ये 45 मिनट पहले इंजेक्शन लेना पड़ता है और 1 महीने में 8 से ज़्यादा डोज नहीं लेने का है, 1 महीने में 8। पांचवा जो है वो है डीहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन, DHEA, डीहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन। ये 100 मिलीग्राम पर डे की टैबलेट है, ये टैबलेट आप ले सकते हैं, इसमें कुछ हद तक प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन की लेवल भी बढ़ जाती है और डोपामिन और सेरोटोनिन इसकी भी लेवल बढ़ जाती है और ये बहुत लोगों में ये DHEA ये फायदेमंद रहा है। तो ये दवाई आप लेते हैं तो साइंटिफिकली प्रूव दवाई है, फायदा जरूर होता है और आपका जीवन जो है वो सुखी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।